नमस्कार, मैं हूँ देवांजलि। वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है हम लोगों ने वार्डरोब केयर के ऊपर जो लास्ट एपिसोड को अपलोड किया था, आप लोगों ने उसे देखा होगा, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। वार्डरोब केयर के ऊपर हम लोगों का दो एपिसोड अभी तक आया है। एक था एपिसोड 1 वार्डरोब केयर बाय देवांजलि, उसका लिंक आपको हमारे स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा। और दूसरा जो एपिसोड आया था वार्डरोब केयर, उसमें था वॉशिंग केयर बाय देवांजलि, दैट इज मी, उसका भी लिंक आपको स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में आप लोगों को मिल जाएगा। आज का जो एपिसोड है वो वार्डरोब के ऊपर तो नहीं है, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव एपिसोड है जो हम दोनों ने मिलकर सोचा था आप लोगों के लिए बनाने के लिए। ये एपिसोड है हाउ टू डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्ट सिल्क एंड प्योर सिल्क, मतलब कौन सा साड़ी प्योर सिल्क मटेरियल से बना है एंड कौन सा आर्ट सिल्क से बना है। इस दोनों मटेरियल के बीच में आप लोग फर्क कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कौन सा क्या मटेरियल है, ये एपिसोड उसके ऊपर है। तो डिफरेंस हम बताएंगे ये दोनों टाइप्स के सिल्क के बीच में जो भी डिफरेंस है उसे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो हम डिफरेंसेस बोल रहे हैं ये बहुत ही बेसिक से डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ये सभी टाइप के सिल्क के ऊपर शायद एप्लीकेबल ना हो। क्योंकि अगर आप लोगों को पता है तो सिल्क के बहुत से वैरायटीज होते हैं, प्योर सिल्क को भी छोड़ के कतान के ऊपर सिल्क होता है, शिफॉन भी एक टाइप का सिल्क है अगर वो प्योर शिफॉन है तो, जॉर्जेट होता है, मसलिन होता है, टिशू होता है, और यही सभी साड़ियों का एक आर्टिफिशियल फॉर्म भी मिलता है। एंड बाय द वे ये जो आर्ट सिल्क नाम है, आर्ट हियर डज नॉट मीन आर्टिस्टिक, आर्ट का मतलब है आर्टिफिशियल का शॉर्ट फॉर्म, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये आर्ट सिल्क है। तो हम कुछ बेसिक से डिफरेंसेस आप लोगों को आज बोलेंगे। प्लीज एपिसोड को एंड तक देखिएगा। एपिसोड अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो जरूर इसे लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस एपिसोड को शेयर कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और शुरू करते हैं पहले डिफरेंस के साथ, क्या मेन डिफरेंस है आर्ट सिल्क और प्योर सिल्क के बीच में। जो पहला मेन डिफरेंस है जो बहुत ही इजीली आप लोग फिगर आउट कर सकते हैं जब भी आप लोग कोई सिल्क का साड़ी खरीदने जाएंगे, वो डिफरेंस है इट प्रोड्यूसेस वार्म्थ, जो मटेरियल का टेक्सचर है। तो अगर आप प्योर सिल्क का कोई साड़ी लेंगे, मैंने आज एक प्योर सिल्क ही पहना हुआ है, दिस इज अ प्रिंटेड प्योर सिल्क, और जस्ट एक लेयर जो है सिल्क का ले करके अपने दोनों पाम्स के बीच में ऐसे रब करेंगे तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपको एक गर्माहट महसूस होगी, यू विल फील वार्म्थ। ये जो गर्माहट है ये आप सिर्फ और सिर्फ प्योर सिल्क के मटेरियल को ही अपने दोनों पाम के बीच में ऐसे करने से आप फील कर सकते हैं। अगर आप यही चीज एक आर्टिफिशियल कपड़े को लेकर करते हैं तो ये कभी भी आपके दोनों हाथों के बीच में वार्म्थ नहीं लाएगा, कोई गर्माहट आप लोग महसूस नहीं करेंगे। तो ये था पहला बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सा एक डिफरेंस। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट का नाम है द रिंग टेस्ट। रिंग मतलब अंगूठी। अगर जो आपका सिल्क का साड़ी है प्लेन सिल्क होना चाहिए, ध्यान रखिए वो सिल्क के साड़ी में जरदोजी या जरी का काम होने से ये टेस्ट आप मना ही करिए तो अच्छा है। तो अगर साड़ी प्योर सिल्क का है तो उसको अगर आप एक अंगूठी के बीच में से पास करेंगे तो पूरा ही साड़ी अंगूठी के बीच में से पास होके निकल जाएगा। और अगर आपका जो साड़ी है वो प्योर में नहीं है, आर्ट सिल्क है या आर्टिफिशियल सिल्क है, तो 80-85% चांसेस ये है कि साड़ी जो है ये रिंग में से पास होके नहीं जाएगा। क्योंकि जो रियल सिल्क होता है उसका फैब्रिक का सॉफ्टनेस ही अलग होता है, उस फैब्रिक का स्मूथनेस एंड शाइन, सब कुछ, उसका लश्चर, उसका फैब्रिक का जो फील है वो आर्टिफिशियल सिल्क से बहुत अलग होता है। और इसी कारण से साड़ी कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो एक छोटे से रिंग में से पास होके निकल जाएगा। इस टेस्ट को करने के लिए मैंने लिया है एक प्योर सिल्क का कोटा साड़ी और मैंने एक प्योर शिफॉन भी लिया है। ये ध्यान रखिए कि अगर आपका सिल्क का साड़ी मोटे वीविंग का है, जैसे कि 4 ply, 5 ply, 6 ply या कभी कभी 8 ply का साड़ी है, तो शायद वो सभी साड़ियाँ ये रिंग टेस्ट में पास नहीं हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो साड़ियाँ प्योर सिल्क का नहीं है, इट्स जस्ट दैट वीविंग उनका इतना थिक है, इतना यू नो लाइक वेरी गुड वीविंग जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है,
तो वो रिंग टेस्ट फेल हो जाएगा। मेरा ये जो साड़ी है ये रिंग टेस्ट पास है और मैं अभी आप लोगों के सामने एक और रिंग टेस्ट करके दिखाऊंगी। मैंने लिया है एक प्योर शिफॉन का साड़ी और साड़ी का कोई एक एज हम लोग ले लेंगे, जैसे कि मैंने ये आंचल का तरफ में ले रही हूँ, और इसको अगर मैं इस रिंग में से पास कराऊं, ये पूरा का पूरा साड़ी जो है, पूरा का पूरा साड़ी ये रिंग में से आराम से पास हो जाएगा। देखिए साड़ी जितना भी बड़ा लंबा क्यों ना हो, ये जो साड़ी है अगर प्योर है तो रिंग में से पास हो जाएगा। पर आजकल बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आर्टिफिशियल शिफॉन भी मिलते हैं, वो भी शायद ये टेस्ट पास कर जाए, पर ज्यादा चांसेस हैं कि प्योर सिल्क की सभी साड़ियाँ इस रिंग में से पास हो जाए। सो एज यू कैन सी ये पूरा ही साड़ी रिंग में से पास हो रहा है। यहाँ पे प्राइस टैग है इसलिए यहाँ पे हम लोग रोक देंगे इसको, तो पूरा ही साड़ी ऐसे ही आराम से रिंग में से पास हो जाए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जो पॉइंट है वो है प्राइस डिफरेंस। आप सभी ने जरूर नोटिस किया होगा कि जो प्राइस होता है प्योर सिल्क के साड़ियों का और आर्टिफिशियल सिल्क के साड़ियों का, उन दोनों प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत सारे हज़ार रुपयों का अंतर होता है। इसका कारण एक ही है, साड़ियाँ बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है सिल्क थ्रेड की। तो जब हम लोग प्रोडक्शन के लिए साड़ी, मतलब ये जो सिल्क की साड़ियाँ हैं इन्हें बनाने के लिए जब हम लोग इस सिल्क थ्रेड के यार्न को खरीदते हैं, तो उस रॉ मटेरियल के प्राइस में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर और एक चीज, ये जो रॉ मटेरियल सिल्क का खरीदा जाता है, मतलब सिल्क थ्रेड के यार्न को जब खरीदा जाता है, इन्हें केजी के तौर पे खरीदा जाता है, मतलब पर केजी कॉस्ट इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एक जो प्योर सिल्क के थ्रेड का यार्न है उसका अगर पर केजी का कॉस्ट हो गया सपोज ₹500, तो एक आर्टिफिशियल सिल्क के पर केजी थ्रेड का यार्न का प्राइस होगा अप्रोक्सीमेटली 150 to 200। तो इसी कारण जब इसी सिल्क के थ्रेड के यार्न से जब साड़ियाँ बनती हैं, जैसा आपने सुना कि एक प्योर सिल्क के थ्रेड के यार्न का पर केजी का प्राइस होता है ₹500 पर केजी ऑलमोस्ट। एक्चुअली प्योर सिल्क के बहुत से वैरायटीज होते हैं, राइट, जैसे कतान सिल्क हो गया, तसर हो गया, मूगा है, देर इज मसलिन, देर इज टिश्यू, देर सो मेनी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्योर सिल्क थ्रेड्स। तो सिर्फ 500 क्यों, इससे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टाइप के भी सिल्क होते हैं जो पर केजी प्राइस रहता है। तो जैसा मैंने जो एग्जाम्पल में बोला कि अगर सपोज ₹500 केजी है प्योर सिल्क के धागे का, तो आर्टिफिशियल सिल्क का 150 से 200 रुपये का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डबल से भी ज़्यादा डिफरेंस होता है एक प्योर सिल्क के धागे का पर केजी का और एक आर्टिफिशियल सिल्क के धागे का। तो जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जब साड़ियाँ अल्टीमेटली इसी थ्रेड में से वीव होके रेडी होता है, तो अल्टीमेट जो प्राइस भी रहता है वो भी ऐसे ही डिफरेंस में आता है, डबल और या बेसिकली डबल से भी ज़्यादा प्राइस अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट का रहता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट का नाम है द यूज ऑफ जरी। तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जरी के भी बहुत से क्वालिटीज होते हैं। फाइन एकदम प्योर जरी जो बनता है सिल्वर से, देन देर इज हाफ फाइन जरी, एंड देन देर इज प्लास्टिक जरी। तो जो साड़ियाँ का बेस मटेरियल प्योर सिल्क नहीं है, जो आर्टिफिशियल सिल्क के मेड साड़ीज होते हैं, उनमें जो जरी का इस्तेमाल होता है हमेशा प्लास्टिक जरी ही होता है। एक आर्टिफिशियल सिल्क के साड़ी में कभी भी प्योर जरी का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड जब साड़ी एकदम प्योर सिल्क का होता है, तो उसमें आप लोग प्योर या हाफ फाइन जरी, ये सब जरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो फैब्रिक का क्वालिटी है वो ऐसे टाइप के जरी का यूजेज अल्टीमेटली जो वीवर है उन्हें परमिट करता है कि ऐसे टाइप के जरी को वो लोग वीविंग के टाइम पे साड़ियों में यूज कर सकते हैं। हमारा ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका नाम है द टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक। तो इस पॉइंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे दो साड़ियाँ लाई हूँ, एक है प्योर सिल्क के ऊपर और एक है आर्टिफिशियल सिल्क के ऊपर। दिस इज साड़ी ए जो पिंक और ग्रीन कॉम्बिनेशन में है, और ये है साड़ी बी जो येलो और मल्टी कलर बॉर्डर कॉम्बिनेशन में है। तो आप लोग ऐसे कैमरा में देख के एट फर्स्ट ग्लांस आप लोगों को देख के क्या लग रहा है, कौन सा साड़ी आर्टिफिशियल है कौन सा साड़ी प्योर है, एक झलक देख के आप लोगों को कौन सा प्योर लगा कौन सा आर्टिफिशियल लगा, साड़ी ए या साड़ी बी, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग लिख के बताइएगा कि आप लोगों को एक ही झलक में देख के इनमें से कौन सा साड़ी आप लोगों को प्योर लगा कौन सा
आर्टिफिशियल लगा। मैं तो एनीवे अभी आप लोगों को बता ही दूंगी, पर आप लोग भी जरूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि साड़ी का लुक देख के आपको कौन सा प्योर कौन सा आर्टिफिशियल लगा था। तो ये जो साड़ी बी है, जो येलो वाला साड़ी है, ये जो है ये वाला साड़ी एक्चुअली प्योर सिल्क का साड़ी है, और ये जो पिंक और ग्रीन कॉम्बिनेशन का साड़ी है, साड़ी ए, ये वाला है आर्टिफिशियल सिल्क का साड़ी। तो पॉइंट का नाम क्या था? टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक। तो ये मैं डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी कि जो प्योर सिल्क का साड़ी है उसका टेक्सचर ही एकदम अलग होता है। ये सारे साड़ियों में टेक्सचर का एक अपना ही कैरेक्टर रहता है। प्योर सिल्क का साड़ी अगर है, अगर साड़ी 100% प्योर है, तो पूरा साड़ी एकदम स्मूथ फिनिश साड़ी का एकदम नहीं रहेगा। साड़ी में थोड़े थोड़े वीविंग के टाइम पे थोड़े से इम्परफेक्शंस रहेंगे। वो इम्परफेक्शंस एक्चुअली क्या है? वो इम्परफेक्शंस है वीविंग के टाइम पे जो सिल्क के थ्रेड के गांठ होते हैं, वो साड़ियों में कभी कभी रह जाता है, जो प्योर सिल्क के साड़ी में इनएविटेबल है। प्योर सिल्क के साड़ी में वो रहेगा ही रहेगा। जैसे मैंने भी एक प्योर सिल्क का साड़ी पहना है, ये कतान नहीं है, ये एक बिष्णुपुरी प्योर सिल्क है जिसमें प्रिंट किया हुआ है, तो पता नहीं, हाँ मैं जरूर दिखा पाऊंगी। मेरे इस साड़ी में भी छोटे छोटे ऐसे वीविंग के गांठ हैं, इफ यू कैन सी, ऐसे वीविंग के गांठ हैं, कैन यू सी। ये पूरा साड़ी प्लेन नहीं है, ऑल ओवर द साड़ी ऐसे वीविंग में थोड़ा इम्परफेक्शंस रहेगा। ये एक्चुअली प्योर सिल्क का कैरेक्टर है। ये जो साड़ी है, ये जो मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करने वाली हूं, दिस इज अ प्योर कतान सिल्क बनारसी साड़ी, ओके? और ये 4-ply सिल्क में है, और ये वाले सिल्क में भी वही इम्परफेक्शंस रहेंगे। मैं साड़ी खोल के आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। क्या आप यहां पे साड़ी में एक गांठ दे सकते हैं? ये जो गांठ है, ये है वो इम्परफेक्शन। साड़ी जितना मैं खोलूंगी ऐसे बहुत से इम्परफेक्शंस साड़ी में रहेगा। ये एक और गांठ है, ऐसे विजिबल गांठ आपको दिखेंगे। प्योर सिल्क की साड़ियों को बनाते टाइम ये चीजों को अवॉइड आप नहीं कर सकते, बट एनीवे ये जो फिनिश है साड़ी का, इसमें वो अननेसेसरी एक्स्ट्रा शाइन भी नहीं रहता है, और एक कैरेक्टर रहता है साड़ी का, और ये जो इम्परफेक्शंस है, दिस एक्चुअली ब्रिंग्स द टेक्सचर ऑफ अ प्योर सिल्क साड़ी। वेर एज अगर आप ये वाला साड़ी देखेंगे जो कि एकदम आर्टिफिशियल सिल्क के ऊपर है, दिस इज अ आर्टिफिशियल कतान सिल्क बनारसी, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि साड़ी जो है पूरा प्लेन है, प्लेन एंड स्मूथ। इसमें कोई भी ऐसे गांठ या इम्परफेक्शंस आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये था डिफरेंस प्योर सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क के साड़ियों के टेक्सचर के बीच। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसका नाम है बर्न टेस्ट। बर्न टेस्ट मतलब एकदम आग में जला के देखने वाला टेस्ट। वैसे तो ये टेस्ट आप लोगों के घर पे करना मुमकिन नहीं है और एकदम करना भी नहीं चाहिए, पर लेकिन हम लोग क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो इसके लिए कभी कभी हम लोगों को बर्न टेस्ट करके देखना पड़ता है। जब कभी कभी साड़ी के धागों का नया शिपमेंट आता है, तो हम लोग रैंडमली कोई एक पर्टिकुलर धागे को लेकर के हम लोग बर्न टेस्ट करके देखते हैं। बर्न टेस्ट एक्चुअली क्या है? और एक और चीज, अगर आप लोग बर्न टेस्ट एकदम आपको करने का बहुत मन है तो आप कर सकते हैं। तो कोई नया अगर साड़ी आप लोग खरीदे हुए हैं सिल्क का, अगर आप लोगों को डाउट है कि ये साड़ी प्योर है कि आर्टिफिशियल है, तो आप एक काम कर सकते हैं। जब आप साड़ी को लेकर जाएंगे आपके टेलर के पास ब्लाउज बनाने के लिए, तो टेलर साहब जी जब ब्लाउज को काटेंगे साड़ी के मटेरियल से, तो देखेंगे थोड़ा थोड़ा धागा निकल के आता है सिल्क का, तो उसमें से थोड़ा सा एक दो धागा आप निकाल देने बोलिए टेलर को, और वो धागा आप घर पे ला करके उसके ऊपर बर्न टेस्ट कर सकते हैं। तो बर्न टेस्ट में आपको एक्चुअली क्या देखना है? अगर साड़ी 100% प्योर सिल्क मटेरियल का है, अगर जो धागा है वो 100% प्योर सिल्क का है, तो उसको बर्न करने के बाद उसमें से जो स्मेल आएगा, वो स्मेल है सूखे पत्ते जलाने के बाद जो स्मेल आता है, ड्राई लीव्स बर्न करने के बाद जो स्मेल आता है, वही स्मेल आपको मिलेगा। और पूरा जो थ्रेड है वो बर्न हो जाने के बाद जो रेसिड्यू रहेगा, जो भी पड़ा रहेगा, वो एक कोर्स और ब्रिटल सा रहेगा, और उसको अगर आप हाथ में लेके ऐसे रब करेंगे तो एकदम फाइन पाउडर जैसा रहेगा। वेयर एज अगर आप कभी
आर्टिफिशियल सिल्क का कोई धागा लेकर के बर्न करेंगे तो उसे जलाने के टाइम पे, प्लास्टिक बर्न होने के टाइम पे जो स्मेल आता है, अगर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, पॉलिथीन बैग्स अगर आपके कभी जल गए हो तो एकदम वैसा ही स्मेल आता है। और बर्न होने के बाद कुछ भी रेसिड्यू नहीं रहता है, पूरा एक ब्लैक कलर का फ्यूम होता है, ब्लैक कलर का स्मोक होता है और वो एकदम हवा में मिक्स हो जाता है। पूरा जो मटेरियल धागा है वो जल जाने के बाद कुछ भी परा हुआ नहीं रहेगा, कोई रेसिड्यू नहीं रहेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जो पॉइंट है इसका नाम है द केमिकल टेस्ट। ये जो केमिकल टेस्ट है ये लेबोरेटरी में किया जाता है। इस केमिकल टेस्ट को करने के लिए एक सोल्यूशन बनाया जाता है। सोल्यूशन के लिए हमें चाहिए होगा 16 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट। 16 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स किया जाता है इसका आधा, मतलब 8 ग्राम्स ऑफ ग्लिसरीन। उसके साथ मिक्स होता है 1 टेबल स्पून ऑफ कॉस्टिक सोडा। और ये जो सोल्यूशन है इसको बनाने के लिए जरूरी है 150 सीसी ऑफ वाटर। ये सोल्यूशन को बनाने के बाद अगर आप इसमें सिल्क, प्योर सिल्क के धागे को इसमें अगर आप डालेंगे तो जो पूरा सिल्क का धागा मटेरियल जो भी है 100% इस सोल्यूशन में एकदम से डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें आर्टिफिशियल सिल्क का धागा या कपड़ा रखेंगे तो 1% भी ये डिसॉल्व नहीं होगा। ये जो टेस्ट है ये गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में किया जाता है कभी कभी सिल्क के प्योरिटी को जज करने के लिए, और कभी कभी, नॉट ऑलवेज, इस टेस्ट को किया जाता है सिल्क के प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए सिर्फ नहीं, अगर सिल्क प्योर है तो दिया जाता है सिल्क मार्क सर्टिफिकेट या सिल्क मार्क का टैग। हम जो साड़ियाँ आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हमारे एपिसोड्स में, कोई कोई साड़ियों में हम दिखा देते हैं कि ये जो साड़ी है इसमें सिल्क मार्क का टैग है। सिल्क मार्क का टैग इसलिए है क्योंकि जिस धागे से वो साड़ी को बनाया गया है उस धागे ने एक्चुअली ये सभी डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को पास किया है और तब जाके उस धागे को हमने यूज किया है साड़ी को बनाने के लिए। तो अगर हम कभी साड़ी दिखाते वक्त आप लोगों को दिखाएं कि ये साड़ी में सिल्क मार्क है, सिल्क मार्क का टैग प्रेजेंट है, तो आप निश्चिंत होकर उसे ले सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है कि ये जो साड़ी है वो 100% प्योर सिल्क का साड़ी ही है। चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आप लोगों को बताना जरूरी है अगर आप लोगों को ऑलरेडी नहीं पता है कि प्योर सिल्क के साड़ियाँ और आर्टिफिशियल सिल्क के साड़ियाँ एक्चुअली बनते हैं किस चीज से। प्योर सिल्क के जो साड़ियाँ हैं वो बनते हैं सिल्क वर्म से, जिसका साइंटिफिक नेम है बॉम्बिक्स मोरी। और ये जो सिल्क वर्म है, आजकल सिल्क बनाने के लिए इनका अलग से कल्टिवेशन होता है और इसे हम लोग कहते हैं सेरिकल्चर। और जो आर्टिफिशियल सिल्क है वो बनता है सेल्यूलोस फाइबर से, जैसे कि रेयन। और ये जो है ये बेसिकली बनता है वुड पल्प से। सो इसी कारण से जो सिल्क है इसे हम लोग कभी कभी, जो प्योर सिल्क है इसे हम लोग कभी कभी एनिमल फाइबर भी कहते हैं, जो आर्टिफिशियल सिल्क को हम लोग नहीं कह सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये जो एपिसोड है थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस कीजिए और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ प्लीज इस एपिसोड के लिंक को शेयर कीजिए। अगर इस एपिसोड में आप लोगों को कोई भी क्वेरी है और अगर आप लोगों को कुछ जानना है तो जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तो ये था हमारा हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्योर सिल्क साड़ीज और आर्टिफिशियल सिल्क साड़ीज का पार्ट वन। उम्मीद है बहुत जल्द हम इसका एक पार्ट टू लेके आएंगे जिसमें हम लोग प्योर सिल्क और आर्टिफिशियल साड़ियों में क्या क्या और भी डिफरेंस हो सकते हैं, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए, उसे और भी डिटेल में डिस्क्राइब कर पाएंगे। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट विल बी अ बिग सपोर्ट टू बोथ ऑफ अस। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।